Assalamualaikum friends, I'm Awais Mughal from Tech Therapy. So today we are going to unbox Lenovo ThinkPlus LivePods LP40 Pro. तो ये है इसका बॉक्स, साइड पे ThinkPlus है और आइए हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि हमें पैकेज में क्या मिला है। This is box of Lenovo ThinkPlus. फ्रेंड्स कुछ ऐसा लगता है, साइड पे इसके कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, कंफर्टेबल हैंड फ्री एंड बैक साइड पे इसके कुछ करते हैं। ज़्यादा वक्त ज़ाय किए बगैर इसको हम ओपन करते हैं। इसके अंदर क्या है? ओके, और बॉक्स अंदर से खाली है। अच्छा, हमें इसमें मिलते हैं इसके आई थिंक कुछ ईयर टिप्स हैं और इसको साइड पे कर देते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास टाइप सी की डाटा केबल है, बहुत छोटी है, आप इसको यूज़ किए ना ही करें तो बेहतर है आप इसकी जगह जो भी आप यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मल डाटा केबल वो यूज़ करें। उसके साथ इसकी एक गाइड है जो कि काफ़ी बड़ी जोड़ी बनाई हुई है। अच्छा जी, तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं और इसको हम बाद में देखेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। उसके अलावा ये क्या है जी, एक क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट है जी। आइए अब हम मेन चीज़ की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, दो हमें एयरबड्स मिलते हैं और देखने में तो ठीक लग रहे हैं, क्वालिटी भी ठीक है और दूसरा भी सेम एज इट इज़ है। इसके अलावा इसके अंदर हमें मिलता है चार्जिंग केस जो कि वाओ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शाइनिंग में है। बैक साइड पे लिनोवो की ब्रांडिंग और फ्रंट साइड पे ThinkPlus की ब्रांडिंग है। अगर बॉटम पे देखा जाए तो हमें एक टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है और यहाँ पे भी इन्होंने फ्रंट पे एलईडी इंडिकेटर दिया हुआ है जो कि आई थिंक इसकी बैटरी से नहीं है, लेकिन इसका जो ये मैकेनिज्म है ये इतना मुझे कोई मज़े का नहीं लगा। और इसके अंदर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है लिनोवो की ब्रांडिंग और लाइफ LP40 Pro, उसके अलावा कुछ उन्होंने सर्टिफिकेशंस सेंड किए बताई हुई हैं। यहाँ पे इसकी चार्जिंग के पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे इनको हम अंदर इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, देखते हैं क्या ये चल देंगे कि नहीं। ओ, लाइट ऑन हो गई है और इनकी लाइट भी ऑन हो गई है। ओके, आई थिंक ये ऑन हो गए हैं, चार्ज करने हैं इनको, देखना पड़ेगा, थोड़ी देर रखते हैं उसके बाद हम इसको अपने मोबाइल के साथ पेयर करके देखते हैं। साउंड क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो बेस इसकी ठीक है, इतनी बुरी भी नहीं है और इतनी अच्छी भी नहीं है। और अगर हम बात करते हैं इसके में कॉल क्वालिटी की, तो कॉल क्वालिटी जो है वो भी बस मुनासिब है। सामने वाले पर्सन को जो हमारी आवाज़ आती है वो लाइक थोड़ी सी बेस वाली आवाज़ जाती है, तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको म्यूज़िक के लिए लेना चाह रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको कॉलिंग के लिए लेना चाहते हैं तो फिर ये, क्योंकि मैं बंद रूम में बात कर रहा था तो अभी से ये हाल था, और जैसे अगर हम रशी एरिया में जाते हैं या किसी ओपन एयर में जाते हैं तो वहाँ पर हमें इसमें ज़्यादा मसले देखने को मिलेंगे। सेकेंडली, इसकी ग्लॉस फिनिश जो है वो मुझे अच्छी तो लगी है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे अभी से ही देखें आप हल्के से स्क्रैच और फिंगरप्रिंट्स के निशानात वगैरह आ रहे हैं। बहरहाल, तो इसके कंट्रोल में आप ये देखें, यहाँ पे इसके अंदर वाइट कलर की LED दी हुई है इन्होंने जो कि दोनों ईयरबड्स में आपको देखने को मिलती है।
ठीक है, यहाँ पे इन दोनों एयरपोर्ट्स में ये है, जब आपके दोनों ये जो एयरपोर्ट्स हैं ये जैसे ही कनेक्ट हो जाते हैं तो ये एलईडी बिल्कुल स्टिल हो जाती है और थोड़ी थोड़ी देर बाद ये ब्लिंक करती है। अभी क्योंकि ये किसी से कनेक्ट नहीं है तो अभी ये दोनों ब्लिंक कर रही हैं। अच्छा, इसमें जो इसके अंदर जब आप इसको डबल टैप करते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड को, तो यहाँ से इसके वॉल्यूम अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी की कॉल आती है रिसीव करना चाहते हैं तो किसी भी आप ईयरबड से आप डबल टैप करते हैं तो कॉल अटेंड हो जाती है, और डबल टैप से ही कॉल डिस्कनेक्ट भी होती है। साथ ही अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं थोड़ी देर तो इससे असिस्टेंट, वॉइस असिस्टेंट एक्टिव हो जाती है। और ट्रिपल टैप पे नेक्स्ट सॉन्ग है, और इसी तरह से दूसरे लेफ्ट पे करेंगे तो ट्रिपल टैप पे रिवर्स सॉन्ग है। और चार्जिंग केस की अगर हम बात करते हैं तो चार्जिंग केस के ऊपर जो एलईडी है, यहाँ पे हमें ग्रीन कलर की एलईडी मिलती है, ये देखिए ग्रीन कलर की एलईडी मिलती है। और जब हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो ये रेड कलर की एलईडी ब्लिंक करना शुरू कर देती है। जब इसकी रेड कलर की एलईडी ब्लिंक करना बंद कर देगी और ये स्टिल कॉन्स्टेंट हो जाएगी तो इसका मतलब है ये फुली चार्ज हो गया, और जब तक ये ब्लिंक करती रहेगी तो इसका मतलब है कि ये अभी चार्ज कर रहा है। और ये जो ग्रीन लाइट आप देख रहे हैं इसके अंदर, इस ग्रीन लाइट के अंदर इसकी जो ये ग्लो कर रही है, इसकी रीज़न ये है कि इस वक्त जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं उनको चार्ज करें। सेकेंडली, इसके अंदर हमें कोई इन ईयर डिटेक्शन नहीं मिलती क्योंकि इसमें कोई सेंसर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई सेंसर नहीं मिलता जिस वजह से इसमें इन ईयर डिटेक्शन नहीं है। और जब आप इसको ओपन करें या क्लोज़ करें तो जब तक आप इसको बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन के साथ पेयर नहीं कर सकते। इधर मैं थोड़ा सा कंपेयर करूँगा, ये क्लोन है बेसिकली जो जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसमें जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप ये देखें इसकी लाइट ऑन हो जाती है, इसका मतलब है कि ये पेयरिंग के लिए एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही मैं इसको बंद करता हूँ तो ये पेयरिंग के लिए डीएक्टिव हो जाते हैं, जबकि इसमें एसएच कुछ भी नहीं है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी दोस्त का कोई कमेंट है इसके अंदर तो मुझे कमेंट करके ज़रूर इसके बारे में बताइएगा। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ रहिएगा, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।